इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आशीष तो अमोघ है और विश्व विख्यात है, जगत विख्यात है। आशीर्वाद क्या दिया माने, करहूं बहुत रघुनायक छोहू करहीं कृपा। वहां करहूं लिखा है, प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम। हनुमान जी नित्य करने लगे हो, आनंद में आ गए हनुमान जी। क्यों माने, आशीर्वाद दिया भगवान आप पर कृपा करें। कृपा क्यों करें, कई लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा ना, आदमी अपनी आदत से मजबूर है। जैसे कई लोग बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कई लोग अपनी आंख घुमाते हैं, जन्म से थोड़ी है, आदत हो गई, कहीं चले जाते हैं। ये क्या है, ये आदत है। जिस प्रकार मनुष्य के अंग फड़कने की आदत है, उसी प्रकार मेरे भगवान को कृपा करने की आदत है। इसलिए हनुमान जी नाचने लगे, मां ने आशीर्वाद दिया, करहूं बहुत रघुनायक छोह मने कृपा। प्रातः समय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहे अदालत तुम्हारी। न मुलजिम ही हो न तुम हो बेहाल, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। क्यों, कृपा की जो आदत तुम्हारी तो सीधी आदत है, भगवान की आदत है, भगवान की आदत है कृपा करने की। माने आशीर्वाद दिया, अब धनुज बन कृषानुम। आशीर्वाद पाकर हनुमान जी ने कहा, मां बड़े अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं, खा लूं। माँ ने कहा, लाला कहते तो अच्छा हो, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े मोटे मोटे रखवाले हैं, आपको चोट करेंगे तो मुझे दुख पहुँचेगा। हनुमान जी ने क्या कहा, तिन कर भय माता मोही नहीं, जो तुम सुख मान हो। मन आप यदि मन में प्रसन्न हो तो आज्ञा मिले तो मैं थोड़ा खा लूँ, क्योंकि चला हूँ तो भूख लग गई है। भूख तो हमको भी लग गई है, लेकिन अब कथा तो पूरी ही करनी है। हाँ, आनंद में रहिए। आप तो वैसे सुन रहे, एक तो आप लोग देर से आए हो, अभी तीन दिन से सुनने की आपकी गति बनी है, इतना झाड़ा से डरते हो। पता चला कई सारे कार्यक्रम चल रहे थे तो सब लोग उसी में लगे होंगे, अच्छी बात है। और हमारे श्री हरि विराट संकीर्तन मंगल की अपनी यात्रा है, लेकिन जब मैं कभी आगे मुरादाबाद आऊँगा ना, तो आप जिस गली से निकलोगे वहीं प्रचार दिखाई पड़ेगा। ये तो हमारी संस्था, इसलिए हम पंकज जी को कुछ कहते नहीं हैं, हम तो छोटे बालक की तरह आते हैं और उत्सव करके चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथी लोग बड़ी तपस्या करते हैं। प्रातःकाल जाड़े में कीर्तन करके सबको जागृत करना कितना कठिन काम है। हमको कोई प्रातःकाल कहे कि आपको कीर्तन में चलना, हम कहेंगे अरे आप हो आना, हम दोपहर में मिलेंगे आपसे, क्या करना। लेकिन आप कितना तप करते हो, फिर भी होता क्या है कि जब आप प्रारंभ से रहते हैं ना, तो हमको अधिकतम सुनाने का भाव बनता है। अब हम सुनाना भी चाहते हैं तो घड़ी कह रही है बेटा जाना भी है, इसलिए उसी गति में आपको हम सुनाएंगे। आप सब जानते ही हो सुनाना क्या है, जो बचेगा वो हमारे आचार्य जी सुनाएंगे। लेकिन दर्शन करिए, फिर हनुमान जी चाहते क्या है, माँ प्रसन्न हो ये चाहते हैं। जीवन में इसका सदैव ध्यान रखना, पूरी दुनिया नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
मां प्रसन्न होनी चाहिए। मां सर्वकाल जिस संतान से प्रसन्न रहती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मां प्रसन्न हो जो तुम सुख मान हो मन माए। मां यदि आप मन में प्रसन्न हो तो मैं थोड़ा खा लूं। हनुमान जी फल नहीं खाना चाहते, हनुमान जी थोड़ा उत्पात दर्शन कराना चाहते हैं। क्यों? राजदूत का यही कार्य है कि जहां जाए जिस राज्य में जिस देश में और राजा के भाव का पता करे, स्वभाव का पता करे, उसके सैन्य बल का पता करे और उसकी कमजोर नब्ज का पता करे। तो कमजोर नब्ज तो विभीषण जी थे, मिल गए। अब सैन्य बल जिसलिए आए थे, मां का दर्शन हो गया। अब राजा का कैसा स्वभाव है उसके लिए हनुमान जी थोड़ा उत्पात करना चाहते हैं। मां ने देख बुद्धि बल निपुण कप, कहे वो जान की जाहु पर रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया। स्मरण रहे ये एक मूर्ति है धनुज बने त्रिशानुम। हनुमान जी महाराज चले चले बुनाय सिर पैठे उबागा, फल खायस तरु तोरे लागा, फल खायस तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रघुमारे सि कछु जाइ पुकारे, रघुमारे सि कछु जाइ पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, रक्षक मर्ति मर्ति महिदारे, रक्षक सुन रावण पठे भट नाना, सबर जनी चर कपारे, पुकारत कछवध मारे, मुनि पठयौ तहि अच्छ कुमारा, मुनि पठयौ तहि अच्छ कुमारा, जला संगले सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तर जा, काहि निपाति महा। एक वृक्ष अक्षय पर दे मारा श्री हनुमान जी ने, अक्षय का अक्षय। पहले भट आए फिर सुभट आए। श्री हनुमान जी अक्षय को मारने के बाद उसके साथ जो सुभट आए से ये देखिए, कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु मिले सिधरी, कुछ को खबरी बना के भेजा, कछु को निजाय प्रभु मर कट, खबरी बनकर जो गए थे असुर सुभट, एक ने कहा महाराज अक्षय को मार दिया, क्या बकते हो? हाँ मेघनाथ बोला मैं जाऊंगा, जाने को तत्पर हुआ तो रावण को लगा कहीं इसको भी न मार दे, इतना वीर है भट सुभट सब को भटा भटवारे दे रहा है। तो कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, देखी कपि कहां करे आई, चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, धन धन सुन विशाल तरु एक उपारा, विशाल तरु एक उपारा, जय श्री राम, जय श्री राम, तेरे थके निलंकेश कुमारा, एक वृक्ष दे मारा मेघनाथ के रथ पर, उसका रथ खंड खंड हो गया,
मेघनाथ गगन में चला गया, कभी यहाँ चिल्लाए, कभी यहाँ प्रकटे, कभी यहाँ हंसे, कभी यहाँ। हनुमान जी गए तो बड़ा अद्भुत है। अब उसके साथ जो महाभट आए थे, हनुमान जी सबको मसलने लगे। रहे महाभटता के संगा, कही कही कपि मर्दई निज जंगा, कही कही कपि मर्दई निज जंगा। अब ये बाप बाप करें, त्राहिमाम त्राहिमाम युवराज, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। गोस्वामी जी ने ऐसे ही लिखा है। अब जब त्राह त्राह करे, युवराज बचाइए बचाइए बचाइए, हनुमान जैसा रगड़ते हैं बाल खड़ा कर करके सबको पकड़ाने लगे। नीचे आया मानो दो सिंह भिड़ गए हैं, ऐसे हनुमान जी और मेघनाथ भिड़ गए। हनुमान जी ने मेघनाथ के सिर पर एक घूंसा मारा, जय श्री राम। मुठिका मार चढ़ा धर जाई, ताहि एक छन मेघनाथ मूर्छित हो गया। कहा एक बार में तो ये गति है, दोबारा मारेगा तो क्या हो जाएगा भगवान जानता है। बड़ा कठिन है, कभी ऐसा उसको घुसा पड़ा नहीं। वाह वाह ही बना रहा, अब पाला पड़ा है, घबराया। क्या सोचे, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ते हिसा कपि मन के जो न ब्रह्म सर मानमो महिमा देखा कपि। ब्रह्मास्त्र देखकर हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक किए। तो महाभटो से मेघनाथ ने कहा उठाओ। हनुमान जी इतना रगड़े हैं सबको, कोई पास नहीं फटक रहा है। एक असुर ने कहा कि युवराज उठाना सरल नहीं है, इसका हाथ बंधन में ले आइए। देखिए क्या दोहा कहता है, चौपाई कहती है, तेही देखा कपि भयवु नाग पास बांधेसी तब ले गए। हनुमान जी के हाथ को नाग पास में बांधे सब मेघराज के द्वारा, तब उठाने लगे। हनुमान जी को उठाए और लेकर के रावण के सम्मुख गए। आप जानते हैं रावण का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, रावण केवल कहता है सुनता नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।